और जल्द ही प्राइमरी का भी रिजल्ट आने वाली है, तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। अब हम लोग को ज्यादा इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये मेरा लड्डू जो कि रात में 2 बजे सोया है, और हम लोग भी 2 बजे सोए हैं, लेकिन बाबू तो अभी सो के उठा है, लेकिन हम लोग को तो जल्दी उठना पड़ा, सुबह 6 बजे ही उठे हैं। और अभी हमारा खाना भी बन रही है, लेकिन अभी मैं आई थी, बाबू उठा तो इसे मसाज करने के लिए, और इसे सर्दी है। जब भी किसी बच्चे को सर्दी हो जाए तो माँ बहुत परेशान हो जाती है, तो मैं कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ जो कि पहले से काफ़ी इसका सर्दी आराम हुआ है। जैसे कि मैं इसे घर का जो सरसों तेल होता है उससे भी मसाज करती हूँ, उसमें लहसुन देकर के गर्म करके, और उसी से बाबू का भी मालिश हुआ है। और उसके बाद दवा भी मैं इसे पिलाती हूँ, डॉक्टर से दिखवा करके ली हूँ। साथ ही साथ मैं जो जाफर होता है उसे भी घिस के देती हूँ। तो कैसे इसे खिलाती हूँ वो भी आप लोग को वीडियो में दिखाऊँगी, और आज सारा डे का ब्लॉग बाबू के साथ। ये क्या किया लड्डू, देख रहे हैं इसको खड़ूस की तरह भी से कर रहा है, मतलब जो इसके सामने सामान आ जाए वो इसको ले लेता है। इसको मतलब पूरे दिन संभालना बहुत मुश्किल काम है। अरे लड्डू देखो ना, तुम्हारे दोस्त लोग देख रहे हैं ब्लॉग में, और सबको बोल दीजिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मम्मा को जगाता हूँ, लेकिन फिर भी मम्मा हमको देख करके सुबह सुबह खुश हो जाती है। अब पूरी रात एक माँ भले ही जागी रहे, लेकिन सुबह सुबह जब बाबू के चेहरे पे स्माइल देखती है तो उसके भी चेहरे पे स्माइल हो जाता है। वो एक माँ से ही हो सकता है। और अब लड्डू को दवा भी पिलाना पड़ेगा मुझे, और साथ ही साथ पहले से मैं जाफर खिलाती हूँ, और पहले से इसका सर्दी काफ़ी ज़्यादा आराम है। तो फाइनली मैं इसे खिला दी, अब मैं जाती हूँ इसको लेकर किचन, और कल्पना इसे रखेगी, फिर मैं खाना बनाऊँगी लड्डू। अब लेकिन ये सो, क्योंकि इसका मसाज भी हो गया है और अब ये दूध भी पी लिया है, अब ये सो जाएगा, उठेगा तो मैं इसे खिलाऊंगी इसका ब्रेकफास्ट। तो अभी हम आ चुके किचन जहाँ बन रही है सब्जी, और ये देखिए रेसिपी सब्जी और चाय भी बन रही है, साथ ही साथ रोटी बनेगी जिसके लिए आटा गूंथ रही हूँ, दाल बन चुकी है और अब बनेगी चावल। तो जल्दी से किचन के काम करके फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद फिर बाबू अभी चाचू के पास है और वीडियो बना रही है हमारी कल्पना जो कि कैमरा मैन बनी हुई है। ब्लॉग बच्चे के साथ ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम पूरा डे का ब्लॉग आप लोग से शेयर करेंगे आज, क्योंकि काफ़ी सारी हाउसवाइफ भी मेरा ब्लॉग देखती है और मदर ही देखती है जो कि स्टडी भी करती है बच्चे के साथ, तो उन सबको मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलता है घर को मैनेज करने में भी, और बच्चे को संभालने में भी, और पढ़ाई कैसे करें उसमें भी। तो पहले आपको मॉर्निंग के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत होती है, खाना नाश्ता सारा चीज़ बनाना होता है और बाबू भी उठ जाता है, लेकिन अभी बाबू के चाकू जग गए हैं तो वो रखे हुए हैं, तब तक जल्दी से किचन का काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो हे दोस्तों, अभी सुबह के 10:30 बज चुकी है और मेरा नहाना पूजा खाना सब हो गया, और बाबू अभी इस टाइम सो ही रहा है, तो ये अच्छे से इसका मसाज हुआ था और दूध पी के ये सो गया था, बहुत लेट से सोया था, आप लोग तो देखे थे तभी जगा हुआ था, फिर सो गया ये। और अब इसे भी मैं जगाती हूँ, और इसे भी इसको सर्दी है तभी मैं नहीं नहलाती हूँ, तो अच्छे से फिर भी कपड़ा भिगा करके मैं इसका देह हाथ पोंछ देती हूँ, ताकि इसे भी अच्छा फ्रेश फील हो, और जब बच्चा फ्रेश फील करता है तभी जा करके खेलता है। सोना मच्छरदानी खुल गई, गुड मॉर्निंग, बहुत सो लिए, उठ गए अब, फ्रेश फील करना है, बाबू को खिलाना भी है, बाबू को खाना है, भूखो तो लग गई होगी। बाबू के लिए दाल और रोटी रेडी है, रोटी को अच्छे से दाल में मसल करके फिर मैं इसे खिलाती हूँ लड्डू। अरे मेरा लड्डू, हंसिए लड्डू, स्माइल, सोना सोना। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा लड्डू अभी अभी नहा के आया है, और अब ये जल्दी से रेडी कर देती हूँ इसे, मैं पाउडर से लगा करके और ड्रेस पहना देती हूँ, और इसे अभी मैं अच्छे से नहलाई हूँ, बहुत दिनों बाद सर्दी हो गया था मैं नहा नहीं रही थी, लेकिन आज धूप देखी तो मैं सोची इसे अच्छे से नहा देती हूँ। कैसा लग रहा है लड्डू बताओ तो अपने दोस्तों को, कैसा लग रहा है नहा करके, लड्डू मेरा लड्डू हैप्पी, बहुत खुश है ये नहा करके, बहुत ज़्यादा मेरा लड्डू, लड्डू इसे मैं रेडी करके मिलाती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, लड्डू रेडी हो गया है, लेकिन ये अपना लोशन छोड़ ही नहीं रहा है, जब से इसके फेस पे लगाए हैं ये डब्बा पकड़ के रखा है, और ये इसका आज का ड्रेस। लड्डू नहा के तुमको कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको नहा करके, लड्डू अब क्या करना है तुम्हें, अब तो तुम नहा लिया, अब खेलेगा और सो भी लिया, बहुत ज़्यादा सोया है, पूरा काम सब मैं की, नहाई खाई तब तक सोया था क्या लड्डू, पापा एकदम धीरे से पा, पा। जोर से बोला,
जोर से। तो लड्डू को देखिए, अभी ये अपना ड्रेस चेंज कर लिया, दूसरा पहन लिया, और इसे क्या सबसे खेलना है, पाउडर के डब्बे से, लोशन के डब्बे से। और ये इसका कैक्टस क्या क्या बोलता है देखो, तुम्हारा नाम ये भी लेगा, तुम्हारा फ्रेंड है ना। लड्डू केशव, किसु बेबी, क्या कर रहा है बेबी, खेल रहा है। देखिए दोस्तों, अच्छा अपने कैक्टस दोस्त के साथ, तुम्हारा दोस्त डांस भी करता है, दिखाओ तो। अच्छा अब स्टार्ट हो जाएगा। बाबू पापा, पापा लड्डू, पापा किसको बुला रहा है लड्डू, पापा को। ये इतना बड़ा पाउडर तुमसे नहीं उठेगा लड्डू, बहुत बड़ा है। ये भी चाहिए तुम्ही को। लड्डू अभी दोस्तों, तो अभी लड्डू खेलने पे लगा हुआ है, और इसके साथ मैं भी इसी के साथ में हूँ। और यहाँ का नजारा, बाबू के पापा बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं, लेकिन तब तक मैं इस फोटो में आप लोगों को दिखाती हूँ। और सामने से 4 से 5 दिन में आप उनसे मिलेंगे, तो मैं जानती हूँ आप लोग भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि मेरे ब्लॉग में क्यों नहीं दिखते हैं, तो बहुत जल्द वो दिखेंगे। क्या लड्डू सो गया, सो गया लड्डू, आ जाओ अपने बेड पे आ जाओ लड्डू, यहाँ आ जाओ। तो दोस्तों देखिए, बाबू अभी मेरा सो गया है खेलते खेलते, और इसे मैं अब सुला देती हूँ, और अभी ये थोड़ा देर सोएगा। तो नहाने के बाद बच्चा थोड़ा देर खेलता है, बहुत एक्टिव रहता है, और फिर सो जाता है थोड़ा देर दोपहर में, ये इसका रूटीन है ये। तो इस टाइम मैं फ्री होकर के अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि घर का सारा काम भी हो चुका है और सब लोग खाना सब भी खा लिया है, तो इस टाइम मैं स्टडी ही करती हूँ जो भी टाइम मुझे मिलता है। तो देखिए, मदर को ऐसे ही स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वरना वो पूरी लाइफ घर में सिर्फ काम करते हुए रह जाएगी, अपने सपना को कभी पूरा नहीं कर पाएगी अगर सोची कि हम फ्री होकर पढ़ाई करें तो। क्योंकि बच्चे होने के बाद टाइम ही नहीं मिलता है कि आप फ्री होकर पढ़ाई करें, उसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि हम कैसे टाइम निकालें अपने पढ़ाई के लिए। और एक बार आप कुछ दिन तक अगर मैनेज कर लिए ना दोस्तों, फिर देखिएगा आपका लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, पता नहीं। अब रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं, और जो मेरा टीचर बनने का सपना है वो इस बार पूरा हो जाएगी या नहीं होगी, वो सारा चीज़ आप लोग को आगे ब्लॉग में मैं शेयर करती रहूँगी दोस्तों। तो ये देखिए, शाम का सबके लिए नाश्ता रेडी है, और ये कटोरी में बाबू के लिए भी, तो क्योंकि हम लोग को खाता देखता है तो बाबू भी खाना चाहता है, तो उसके लिए भी हम नाश्ता रेडी कर दें, उसे भी अभी खिला देते हैं। और अभी इवनिंग का समय हो गया, बाबू फुआ के साथ दरवाजे पर अभी जा रहे हैं उसे बुलाने के लिए। लड्डू खाना रेडी है बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लड्डू चलो, लड्डू को घूमने में बहुत मज़ा आता है, आंगन में ये बहुत परेशान करता है, दरवाजे पे जाती एकदम चुप हो जाता है। क्या लड्डू, लड्डू खाया, पेट भर गया क्या लड्डू। दोस्तों तो लड्डू मेरा खा लिया और इसका पेट भी भर गया है, और ये कूदने पे लगा है, मसाज हुआ है तो पैर थोड़ा सा इसका आराम क्या हुआ, ये फिर से पैर दर्द करवा लेगा। देखिए देखिए, हो गया लड्डू, फिर से पैर दर्द करेगा तुम्हारा। आप लोग को पता है कि आज 17 अक्टूबर है, और आज 11th 12th का हिंदी का रिजल्ट अभी तक आ चुकी है, बाकी आज लगता है कि रात तक 11th 12th की पूरी रिजल्ट आ जाएगी, और मुझे जैसे लग रहा है कि कल 9th 10th, और जल्द ही प्राइमरी
का भी रिजल्ट आने वाली है, तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। अब हम लोग को ज़्यादा इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट अब आन जब 11th 12th की रिजल्ट आ गई है, तो अब 9th 10th और प्राइमरी का भी रिजल्ट आ ही जाएगी। तो आप लोग को कितना कितना आता है सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं भी इस पे अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में।